माँ है जगत जननी, माँ से है सारी सृष्टि, माँ के आंचल में है सारा संसार समाया, माँ की सेवा से बड़ी नहीं कोई भक्ति। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सम्मी। आपको गोरखपुर न्यूज़ की तरफ से मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को सुबह 6 बजे से जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा गोरक्ष पथ कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। विभिन्न स्कूल के छात्र व छात्राएं कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र व छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए राजस्व पुलिस विभाग से संबंधित, सभी मामलों को एक हफ्ते के अंदर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। जनपद में क्रय केंद्रों पर तेजी से हो रहा है गेहूं की खरीदारी। 48 घंटे में किसानों के उपज का हो रहा है भुगतान। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं का कार्यशाला का किया गया आयोजन। आयुष्मान योजना सहित पीएम वाणी की स्कीम की दी गई विस्तृत जानकारी। नौकायन पर एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में नगर निगम एवं पुलिस ने चलाया संयुक्त सफाई अभियान। कहा, साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता का किया जा रहा है प्रयास। साप्ताहिक अभियान का हिस्सा बनने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। एसडीएम सदर ने कहा, तहसील दिवस में कुल आए 120 मामले, 15 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। दोस्तों ने नशे में की थी दोस्त की हत्या। गैर इरादतन हत्या करने वाले दोनों दोस्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कल्याण संकेत के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर दिया उनको श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव तथा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने पर हुई चर्चा। और विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एकल पुष्प देकर व माल्यार्पण कर किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। जनपद में रविवार को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के द्वारा नौकायन पर गोरक्ष पथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए व स्वच्छ गोरखपुर की परिकल्पना को साकार करने के लिए शहर के विकास कार्यों में शहर के विभिन्न अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के लिए एडीजी जोन बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, जो राहगिरी फाउंडेशन के सहयोग की जा रही है, जो कि सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक चलेगा। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच आकर कार्यक्रम में भाग लें, जिससे शहर को एक अच्छा संदेश मिले। उन्होंने कहा, कार्यक्रम खेलकूद में स्कूल के बच्चे भाग लेंगे। प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पहल है कि गोरखपुर के सड़कों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और सबके लिए कैसे बनाया जाए, इसलिए नाम ही दिया गया है गोरख पथ सबका पथ। स्पेशली पैदल चलने वाले जो हमारे वल्नरेबल रोड यूज़र्स हैं, मोस्टली पैदल चलने वाले, उनके सुरक्षित के लिए
एक दिन डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसके माध्यम से कि सड़क में खाली गाड़ियां ना चले, यहाँ पे पैदल चलने वालों के लिए भी उतना ही स्पेस दिया जाए। यहाँ पे जैसे हम बचपन में आराम से साइकिल चलाते थे या जो नेबरहुड हमारी स्ट्रीट होती घर के आसपास बच्चे आराम से खेलते थे, आज के डेट में हम अपने बच्चों को घर के बाहर अकेले छोड़ नहीं पाते हैं। तो ये गोरख पथ जो राहगीरी डे हमने शुरू किया था 2013 में, एक इसके माध्यम से ये बताया जा रहा था कि हाँ सड़क जो है सबके लिए हो, खाली गाड़ियों के लिए नहीं। जैसे हमारे मिनिस्ट्री में भी स्मार्ट सिटी के थ्रू भी यही बताया जा रहा है कि स्मार्ट स्ट्रीट बनाना, तो ये पहल है स्मार्ट स्ट्रीट की तरफ। तो कल का कार्यक्रम जो रहेगा एक उसका ग्लिम्स रहेगा कि खेलेंगे कूदेंगे और साथ में गोरखपुर को स्वच्छ बनाएंगे। सो यही मोटिव है हमारा और ये सबके भागीदारी से ही हो सकता है, क्योंकि जब तक सिटीजन्स की ओनरशिप नहीं होती है हम कोई भी शहर को ठीक नहीं कर सकते हैं। चाहे जितना भी सरकारी प्रोग्राम हो वो सफल नहीं हो सकता है जब हम सिटीजन्स को ना जोड़ें। तो ये जो राहगीरी में इतने हज़ार लोग आते हैं, ये एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है अगेन प्रशासन और सिटीजन्स की रिलेशनशिप को भी बढ़ावा देने का, ताकि वो आपस में एक साथ साइकिल चलाते हैं, एक साथ वॉक करते हैं, कहीं पे प्रशासन के लोग पेंटिंग कर रहे होते हैं या योगा कर रहे होते हैं सिटीजन्स के साथ, तो एक वो ओनरशिप कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो यही है और आप लोगों के माध्यम से मैं गोरखपुर के सारे वासियों को यही आग्रह करूंगी कि प्लीज़ कल आएँ और अपने सड़क को रिक्लेम करें, अपने सड़क को एंजॉय करें। शायद पहली बार ऐसा होगा कि बिना डर के बिना गाड़ियों के हॉन्किंग के आप सड़क को एंजॉय कर पाएंगे। सो यही बताना चाहूँगी मैं, थैंक यू। हमारे शहर के लिए शहर सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए, स्वच्छ गोरखपुर की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए, शहर के विकास कार्यों में और शहर के विभिन्न अभियानों में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए माननीय एडीजी महोदय ने एक बहुत ही अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है, और उसमें राहगीरी फाउंडेशन के सहयोग से विभिन्न शहरों में जो स्ट्रीट एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज़ जो शुरू की गई हैं वो हमारे जनपद में भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था, और उसके बाद एक रूपरेखा बनी थी। और कल से पहला इवेंट और पहले सीरीज ऑफ गतिविधियाँ जो है हम लोग प्रारंभ करने हैं, और उसमें आपके माध्यम से मैं जनपद गोरखपुर के शहर के सभी सम्मानित नागरिकों को आमंत्रित करूंगा कि कल वो हमारे सर्किट हाउस रोड पे रामगढ़ ताल पर 6 बजे से 9 बजे के बीच में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिसको आपके माध्यम से हम जनमानस तक पहुँचाना चाहते हैं। वो उसमें बहुत अच्छे अनुभव की गतिविधियाँ रहेंगी, जिसमें स्टूडेंट्स जो हमारे उद्यमी साथी हैं, हमारे महिलाएं हैं, सभी को हम आमंत्रित करना चाहें ताकि सभी इस शहर को एक अच्छा संदेश भी दें और जो हमारे विभिन्न अभियानों में वो प्रतिभाग भी करें और अपना बहुमूल्य योगदान भी दें। इसमें पूरी प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की गई है, वहाँ पे सारे हमारे खिलाड़ियों को बुलाया गया है ताकि वहाँ योगा और विभिन्न खेलकूद गतिविधियाँ भी होंगी, वहाँ पेंटिंग और विभिन्न कला के कार्यक्रम भी होंगे जिसके लिए विभिन्न निजी संगठनों द्वारा उनका आयोजन भी किया जाएगा। वहाँ सिविल डिफेंस के हमारे सभी साथीगण भी रहेंगे जो विभिन्न गतिविधियों में सबको एंगेज करते रहेंगे। वहाँ सम्मानित हमारे मेयर साहब और सभी जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहेंगे ताकि सबका हौसला अफजाई वो करा सकें। प्रशासन के पूरी टीम और सभी विभागों के अधिकारीगण भी रहेंगे। हमने सभी स्टूडेंट्स कॉलेज और स्कूल्स के स्टूडेंट्स को भी आमंत्रित किया है, वो भी वहाँ प्रतिभाग करेंगे। एक उत्सव के माहौल पे इसमें हम प्रारंभ करेंगे और ये गतिविधियाँ और ये इवेंट्स लगातार हर महीने में कम से कम एक संडे को सैटरडे को जो तिथि निर्धारित होगी वो आगे आगे इसकी रूपरेखा और सुदृढ़ होती रहेगी, वो हम लोग सुनिश्चित करा लेंगे ताकि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें प्रतिभाग करें। और हर बार एक स्ट्रीट एक सड़क हम लेंगे ताकि उसको साफ सुथरा बना लें, वहाँ अतिक्रमण मुक्त बना लें, उसको सुंदर बना लें और एक अच्छा अनुभव दें हमारे जो पदयात्रा
करते हैं, हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं, हमारे वहाँ पथ विक्रेता हैं, हमारे छोटे उद्यमी हैं वहाँ पे, सबको एक अच्छा अनुभव मिले और पर्यटन के दृष्टिकोण भी वे बढ़ावा देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस पहल में सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग, सभी का योगदान चाहिए, विशेषकर हमारे मीडिया साथियों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करते हुए लोग इसमें प्रतिभाग करें। इस तरह की सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियाँ शहर के लिए बहुत अमूल्य हैं, एक आपसी सद्भाव और भाईचारा की भावना बनती है। सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूशन से ही शहर को हम विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना पाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा सभी को कि इसमें प्रतिभाग करें। इसमें 6 से 9 बजे तक हम शुरू कर रहे हैं। इसमें योगा, पोएट्री, सिंगिंग, डांस, फोक डांस, ओपन माइक, साइकिल रैली, स्ट्रीट गेम्स जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन, चेस, कैरम होंगे और वहाँ नुक्कड़ नाटक भी होगा। वहाँ खान पान के लिए फूड स्टॉल्स और वेरियस अदर स्टॉल्स भी रहेंगे। बैंड परफॉर्मेंस होगा, हमारे सभी बच्चों के द्वारा स्किट्स भी आयोजन किए जाएंगे, अच्छा संदेश भी होगा, जुम्बा भी होगा और हमारे जनप्रतिनिधियों का संबोधन भी होगा, ताकि सभी को मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सके। और मकसद ये है कि जो सड़क सुरक्षा के जो संदेश हैं वो सभी को तक पहुँचा दें और जो आगे हमारे स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग में गोरखपुर और आगे बढ़े और अग्रणी शहर के रूप में उभर के आए। जिला अधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया, जिसके संबंध में जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों में पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसको देखते हुए इस शनिवार बांसगांव तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जो भी नागरिकों की शिकायतें आईं उसको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन समस्याओं को 7 दिन के अंदर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता से वार्ता भी की गई है और शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता से 1 हफ्ते के बाद उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील दिवस में अधिकतर मामले राजस्व व पुलिस से संबंधित और कुछ विकास से संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्मित किया गया। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, इसमें आज सभी जैसे शासन का निर्देश है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, मंडल आयुक्त महोदय, माननीय डीआईजी महोद्वारा, मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा तहसील दिवस में जनता की समस्याओं को सुना गया और जो भी शिकायतें आई हैं उसको हम लोग ऑनलाइन अपलोड करेंगे और उसको 7 दिन के भीतर निस्तारण करके गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे। शिकायतकर्ता से वार्ता भी होगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि विभिन्न माध्यमों से जैसे स्पॉट मेमो प्राप्त करना, वहाँ पर दखलनामा लेना और विभिन्न समस्याओं को गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए लोगों को हम लोग न्याय दिलवा सकें। ज़्यादातर मामले राजस्व और पुलिस संबंधित मामले थे और कुछ विकास योजनाओं में आच्छादन के मामले भी थे और सभी मामलों को हम लोग हमारे कंट्रोल रूम से अनुश्रवण भी करेंगे। जनपद में गेहूं खरीद तेजी से हो रहा है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गेहूं खरीद लगातार जिले में तेजी से चल रहा है। मार्केट में किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है, जिसकी लगातार निगरानी की जा रही है। गेहूं खरीद केंद्र पर सभी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो भी किसान अपना गेहूँ क्रय केंद्रों पर बेच रहा है उसको 48 घंटे के अंदर ही उनकी उपज का पेमेंट कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान बिचौलियों के चंगुल में ना आए, आप सीधा अपना गेहूं क्रय केंद्र पर ही बेचे, आपके उपज का भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा,
गेहूं खरीद हमारा लगातार चल रहा है और मार्केट में भी रेट अच्छा किसानों को मिल रहा है। हम लगातार निगरानी रख रहे हैं और हमारे केंद्रों पे सारी अवस्थापनाएँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और धनराशि भी जितने लोगों के द्वारा अभी गेहूं अपने उपज को ये सेल किया जा रहा है उनको तुरंत हम लोग विद इन 48 घंटे में ही उनके खाते में धनराशि हस्तांतरित कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएँ हैं। जितने भी किसान कोई बिचौलिया के चंगुल में ना आए हैं अपने उपज की मूल प्राप्त करने के लिए हमारे केंद्र में लाकर उसमें बिक्री कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान योजना का लाभ पहुंचाने हेतु उचित मूल्य विक्रेताओं की जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जिले के सभी कोटेदारों मार्केटिंग के अधिकारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। सबसे पहले इस महीने का राशन उत्थान होना है व सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए उनका प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धि भी की जा रही है और उनसे अपेक्षा वृद्धि भी की जा रही है कि शासन के निर्देशानुसार शत प्रतिशत पारदर्शिता पूर्वक राशन का वितरण हो सके। इसके अलावा पीएम वाणी स्कीम के तहत कोटेदारों के दुकानों पर वाईफाई जोन बनाकर निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात की जा रही है, जिसके बारे में सभी कोटेदारों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिससे कि पीएम वाणी स्कीम का संचालन सुचारू पूर्वक हो सके तथा साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों का शिविर लगाते हुए बीएलओस के साथ जोड़ते हुए कार्ड बनाने के लिए बताया गया, जिससे आयुष्मान योजना का सभी लोगों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण सिंह, आयुष्मान प्रभारी डॉक्टर संचिता मल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, चल जाएगा लेकिन फ्रूट नहीं, फ्रूट का इस्तेमाल बिल्कुल मना है। ये हमारे सभी शासकीय कार्यों में और भी हमारी अन्य जो फाइलें होती हैं जो हम लोग और मामलों में भी अपना ये सब करते हैं, तो काट के अगर कोई गलती हो गई। शनिवार और रविवार को का दिन हम लोगों ने इसलिए निश्चित किया था कि और आपका आपसे सहयोग ये था कि वहाँ पर उसको एक थोड़ा सा बैठने का कोई स्थान उपलब्ध करा देंगे, कुछ फर्नीचर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ पर लेखपाल आंगनबाड़ी आशा वगैरह ये सब आएंगे और ऐसे आयुष्मान कार्ड धारक और उनके जो परिवार के जो कार्ड में अंकित हैं उन सभी का आयुष्मान कार्ड बनना था। ये संख्या अभी हमारे जनपद में बहुत बड़ी संख्या में है, इनके 2.5 लाख अभी हमारे यहाँ अभी अवशेष रह गया। जब से ये स्कीम हम लोगों ने शुरू किया था उसमें 1 लाख कार्ड अभी करीब बना है और जबकि हमारे जिले में करीब 900 बीएलईज हैं जो एक्टिव हैं इस काम के लिए करते हैं। बीएलई की संख्या तो बहुत बड़ी है, करीब 2500 हैं, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड के लिए जो एक्टिवेट हैं जिनके उनकी संख्या करीब 900 है। तो हम लोगों ने यही आकलन किया था कि अगर ये शनिवार और इतवार ये 2 दिन में अगर बैठेंगे तो अगर एक एक व्यक्ति का भी बनाएंगे तो हमारा मतलब 2 दिन में 1800 बनेगा। इस तरह से अगर हम एक महीने में अगर 4 ये संडे और सैटरडे आएंगे तो करीब 8000 के आसपास हम लोग इसको सोच रहे थे कि 8000 बनेगा, लेकिन अभी तक जो फिगर हमको मिली है वो बहुत ख़राब है। अभी तक हमने टोटल कुल 5000 बनाए अब तक, मतलब ये करीब ये 20 दिन की फिगर बता रहा हूँ, अभी हमारे टोटल 5000 बने हैं, उसमें भी अंत्योदय के अलावा भी शामिल है, मतलब जो जिनको और बनने हैं तो अन्य जो हमारे इसके लिए जो पात्र हैं वो भी शामिल करके, लेकिन अंत्योदय का जो लक्ष्य रखा था हम लोगों ने 8000 वो हम लोग अभी तक किसी भी अभी मतलब एक जो हमारा रविवार शनिवार है उसमें नहीं पाए। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना है और इसके अलावा तो मैं ये भी कहता हूँ कि जो आपके यहाँ कार्ड धारक हैं जो आते हैं लेने, आप उनसे भी ये अपील कर सकते हैं कि ये क्यों इसका लाभ नहीं ले रहे। अगर मान लीजिए हम कैंप नहीं भी लगाएं तो हमारे लगभग सभी ग्राम पंचायतों में जन सेवा केंद्र हैं, उनको सिर्फ एक दिन वहाँ जाना है, अपना आधार कार्ड अपना एक फ़ोटो लेके जाना है और उसका मुश्किल से 5 मिनट लगता है एक कार्ड एक उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये क्यों नहीं जा रहे हैं मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, इसके प्रति लोगों के अंदर
बोला जागरूकता क्यों नहीं है, ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, 5 लाख रुपए तक आपका मुफ्त में इलाज होना है हॉस्पिटल से, इस लाभ पर इस योजना का लाभ क्यों नहीं हम लोग लेना चाहिए ना, ये लोग ये क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं। देखिए बायोमेट्रिक काम अगर नहीं कर रहा है तो उसके बारे में तो अभी हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको उसके लिए क्या विकल्प है, क्योंकि ये चीज़ है, ये देखिए ये बड़ी संख्या का कोई भी फिंगर काम नहीं कर रहा होगा उसमें प्रिंट के लिए, तो वो संख्या की होगी उसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत बड़ी संख्या में हमारे अंत्योदय कार्ड के परिवार के लोग हैं जो अभी इस योजना से वंचित हैं, और जब बहुत प्रयास करने के बाद भी इसमें पूरी टीम लगाई गई थी, 3-4 लोगों का टीम था, तो ये कार्ड ये इसके लिए जो कैंप कराए थे आप लोगों को वो चीज़ हुए कि नहीं, ये मैं थोड़ा लोगों से जाना चाहूँगा, तो उसने उन्होंने इसका व्यापक प्रचार प्रसार मतलब किया था, लगातार फील्ड में देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पे प्रयास हुआ है पर फिर भी अभी इसमें सुधार की आवश्यकता है, कुछ कोटेदार ऐसे हैं जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और उनकी लगातार शिकायतें आ रही हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। दूसरा बिंदु है पीएम वाड़ी की, जैसा कि अरुण ने और एडीएम ई साहब ने आपको बताया होगा, एक ये नई व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से लागू की जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश को चुना गया है, और ये पूरी व्यवस्था जो है हमारी जो पीडीएस सिस्टम है इसको बेसिकली गुजरात मॉडल की तरफ हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं, इसके बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा सरल शब्दों में और थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि इसमें आपको क्या लाभ हो सकता है या हमारी जो वितरण व्यवस्था है उसमें कैसे और ज्यादा सुधार होगा, आपके इनकम के सोर्सेस कैसे बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु है इसमें फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर के, जो 12 मई को एक दिन का अभियान है बेसिकली फाइलेरिया उन्मूलन, उसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। और चौथा बिंदु है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में आप सबको पता है कि एक गोल्डन कार्ड बनाया जाता है लाभार्थी का, जिसको 5 लाख रुपए तक कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज जो है अवेलेबल कराई जाती है, और ये अंत्योदय कार्ड होल्डर्स जो हमारी जिले में है वो 1,26,000 हैं, और लगभग 3 आयुष्मान कार्ड के हमारे अंत्योदय कार्ड होल्डर्स जिनका अभी आयुष्मान कार्ड बना नहीं है, तो हमारी अपने उनको भी ये लाभ मिल सके। तो सबसे पहले बिंदु पे आते हैं जो है एनएफएसए या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, जो बेसिकली हमारा मूल काम है डिस्ट्रीब्यूशन का काम, रखें कि उस माँ की जो अद्यतन सूची है उसको जरूर आप लोग उसमें चस्पा करें, अपने सारे बेनिफिशरीज के आधार फीड और सीट कर दिए थे, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा था, तो अगर हम 35 लाख लोगों के यूनिट्स को फीड और सीट कर सकते हैं आधार कलेक्ट करके, तो चलिए धन्यवाद। देखिए तीसरा जो बिंदु है वो फाइलेरिया का है, फाइलेरिया दिवस 12 तारीख को बनाया जा रहा है, जनपद के सभी कोटेदारों के साथ सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारी, मार्केटिंग के अधिकारी, सभी के साथ विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए यहाँ गोष्ठी आयोजित की जा रही है। सर्वप्रथम तो अभी इस महीने का उठान जो होना है और सिंगल स्टेप डिलीवरी के लिए उनका प्रशिक्षण क्षमता वृद्धि भी की जा रही है और उसकी रूपरेखा उनको बताई जा रही है, और उनसे अपेक्षा की जा रही है कि बिना कोई कटौती के शत प्रतिशत पारदर्शितापूर्ण शासन की मंशानुरूप वितरण कोटे का करें, राशन का करें। दूसरा पीएम वाणी स्कीम के अंतर्गत जो कोटेदारों की दुकानों के पास वाईफाई जोन बना के लोगों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की बात आ रही है, उसकी योजना के बारे में उनको बताया जा रहा है। बीएसएनएल के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तकनीकी जानकारी दे के उनको इस योजना को सफल बनाने के लिए बात कही जा रही है। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को शिविर लगाते हुए बीएलईज के साथ जोड़ते हुए आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए बताया जा रहा है, और उसमें सभी कोटेदारों द्वारा आश्वस्त भी किया जा रहा है कि उनको सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अच्छी योजना का लाभ देंगे। एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में तारामंडल स्थित नौकायन पर रामगढ़ताल के किनारे पुलिस परिवार के साथ श्रम दान कर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि जनपद के नगर निगम पुलिस के द्वारा संयुक्त सफाई अभियान चलाया जा रहा है, समाज में साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता आए और रामगढ़ताल पर जो लोग घूमने आते हैं और यहाँ पर खाने पीने के दौरान प्लास्टिक कचरा फेंक देते हैं उसके प्रति लोगों में जागरूकता
जागरूकता आए कि यह हमारा शहर है, हम इसको साफ सुथरा रखेंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि सप्ताह अभियान का हिस्सा बने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाएं। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कैंट श्याम देवबित सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आप बोलते भी हैं क्या, लोग सुनते हैं? आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो लोगों को इसे संदेश देने के लिए मैं इसको रखा हूँ। लोगों को निवेदन करते हैं कि कोई सड़क पे कूड़ा ना फेंके, डस्टबिन में डाले, जिसके लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मैं यूज करता हूँ। ये जन मतलब लास्ट टाइम एक बार बुला के 2 घंटे इसको अच्छे से ध्यान दिया, नाउ दिस होल वीक इट हैज बीन फैंटास्टिक। झाड़ू वाले बाबा माइक जी जी सर, हां साहब है, साथ में सर झाड़ू आ जाओ, बोलते रहिए कि उसके आसपास का आप लोग कूड़ा डस्टबिन में डाला इधर उधर ना फेंके। आप सबसे सादर अनुरोध है, सबसे सादर अनुरोध है कि आप लोग कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। अभिनव भैया जवानों को उतार दो नीचे जाके, उधर उधर साइड साइड प्लास्टिक की चारी चीज उठा लीजिए। अरे यार प्लास्टिक उठा ले, क्या करें अभी टाइम लगी यहाँ पे। आपके दरोगा जी थे अभी यहाँ पे जब इंचार्ज थे, अभी शायद आजाद नगर पे हैं, अभी आज हमारी मुलाकात हुई तो वो भी रहते थे, काम करते थे हमारे साथ। जी जी अधिकारी, मैं एसपी सिटी गोरखपुर जी, ये मेरा आदर मैं लेके आता हूँ इसको होने में कर देते हैं साफ। ये तो बोलने वाली झाड़ू परमानेंट मेरे गाड़ी में रहती है, उधर कूड़ा ना फेंके। क्योंकि सारी गंदगी सर शाम को ही होती है, मैं तो सुबह आता हूँ दान भी सामान पे। हाँ कृपया आप लोग सारा जो भी कूड़ा हो खाने पीने का सामान डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर ना फेंके यार, क्योंकि आज हमारे बड़े अफसरों को उतरना पड़ा है सफाई के लिए, ये हम लोग के लिए बहुत शर्मनाक बात है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि गंदगी 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 अगर दिख रही है तभी आप लोग महत्वपूर्ण काम करने के लिए लिए है गोरखपुर में। बेटा चिप्स खा करके इधर उधर मत फेंकना, डस्टबिन में डालना इसको। सर Thank you.
वो देखो पॉलिथीन ओपन है उधर बोतल हैं। यहाँ सादे में नगर निगम वालों को लगाओ तो चालान काट सके। मिलेंगे आधा घंटा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आगे चलो भैया। ये ऊपर डाल दो यार लिया का नहीं दिखे अच्छा है सर। मैं भी काम कर लेंगे। जनता अगर नहीं है जनता के जागरूकता जरूरत है। ये जनता ऐसे बड़ा खतरनाक हो टीचर नहीं आता पढ़ते उनको बाल शिक्षण का वो मीना भैया अरे रुक जाइए भैया रुक जाइए एक मिनट अरे मालिक ए भाई भैया इनको भी ढूंढना पड़ेगा ये जो लोग संचालित कर रहे हैं ये लोग आज गोरखपुर पुलिस और नगर निगम के द्वारा ये संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया है एडीजी जोन महोदय के नेतृत्व में और इसका प्रयास यह था कि लोगों में जागरूकता आए समाज में साफ सफाई के प्रति और जो हमारा रामगढ़ ताल है उसमें सफाई हो। यहाँ जो लोग प्लास्टिक का कचरा और अन्य सामान फेंक देते हैं यहाँ पर आनंद लेने के पश्चात वो उसमें जागरूकता आए लोगों को कि यह हमारा शहर है और हमें इसको साफ सुथरा रखना है। इसी के क्रम में कल यहाँ पर राहगिरी का कार्यक्रम भी किया जा रहा है रामगढ़ ताल नौकायान पर जहाँ पर कि उसको लेकर भी जागरूकता के लिए ये अभियान आज चलाया गया है। जी हाँ प्रत्येक शनिवार को ये अभियान चलाया जाएगा शहर के अन्य हिस्सों में जहाँ पर कि लोगों के में साफ़ सुथरा और जागरूकता सफाई के प्रति जागरूकता जगाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। जी मेरा सभी गोरखपुर निवासियों से आग्रह है कि ना सिर्फ अपना शरीर अपना घर बल्कि अपना आस पड़ोस और अपना शहर भी साफ रखें। ये सारी जिम्मेदारी हमारी है और संयुक्त रूप से इसे हमें निभानी है तभी हमारा शहर जो है साफ़ सुथरा हो पाएगा और विश्व के ना सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में इसका नाम आएगा जिसका आनंद और लाभ यहाँ के निवासियों को ही मिलेगा। तो मेरा सभी से आग्रह है कि इसे साफ सुथरा बनाए रखने में सभी एक दूसरे का सहयोग करें। ये कल राहगिरी का कार्यक्रम है जो रविवार सुबह 6 बजे से प्रारंभ होकर 9 बजे तक चलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे और उद्देश्य है कि जो हमारे गोरखपुर निवासी हैं वो यहाँ आए और कार्यक्रमों का लुत्फ लें संडे की सुबह अपने परिवार के साथ रामगढ़ ताल के किनारे प्रकृति का और समाज का एक दूसरे का समन्वय स्थापित करते हुए आनंद लें। धन्यवाद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एसडीएम सदर की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसके संबंध में एसडीएम सदर कुलदीप मीणा ने बताया कि तहसील दिवस में 120 आवेदन आए इसमें से 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया
और बाकी संबंधित विभागों को समय से निस्तारण हेतु करने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामले राजस्व विभाग जमीन संबंधित आए थे, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, फैसला कर देंगे जोड़ो 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 बैठो आराम से। अभी अपने पास देखो कितने बज रहे, 12 बज रहे, 2 बजे तक जोड़ दो। तहसील दिवस में कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष के लिए संबंधित विभाग को एक हफ्ते की समय सीमा के अंदर निस्तारण करने हेतु प्रेषित कर दिया। अधिकतर मामले राजस्व विभाग से संबंधित है, जमीन के विवाद संबंधित मामले हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को सुबह 6 बजे से जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा गोरक्ष पथ कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। विभिन्न स्कूल के छात्र व छात्राएं कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र व छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व SSP डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए राजस्व पुलिस विभाग से संबंधित, सभी मामलों को एक हफ्ते के अंदर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। जनपद में क्रय केंद्रों पर तेजी से हो रहा है गेहूं की खरीदारी। 48 घंटे में किसानों के उपज का हो रहा है भुगतान। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं का कार्यशाला का किया गया आयोजन। आयुष्मान योजना सहित PM वाणी की स्कीम की दी गई विस्तृत जानकारी। नौकायन पर ADG जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में नगर निगम एवं पुलिस ने चलाया संयुक्त सफाई अभियान। कहा, साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता का किया जा रहा है प्रयास। साप्ताहिक अभियान का हिस्सा बनने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने की अपील। SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई व SDM सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। SDM सदर ने कहा, तहसील दिवस में कुल आए 120 मामले, 15 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। दो
दोस्तों ने नशे में की थी दोस्त की हत्या। गैर इरादतन हत्या करने वाले दोनों दोस्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कल्याण संकेत के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर दिया उनको श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव तथा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने पर हुई चर्चा। और विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एकल पुष्प देकर व माल्यार्पण कर किया गया सम्मानित। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर पुलिस ने गैर इरादतन हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को बिछिया पीएससी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान नूर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय शेर अली निवासी मकान नंबर 575 LBG रेलवे कॉलोनी बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा आफताब अली पुत्र अकबर अली निवासी बैंक रोड अग्रवाल अस्पताल के सामने थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि 6 मई को रात्रि करीब
ही 11 बजे तीनों दोस्तों ने आपस में नशा किया। नूर मोहम्मद पुत्र स्वर्गीय शेर अली निवासी मकान नंबर 575 LBG रेलवे कॉलोनी बिछिया थाना शाहपुर गोरखपुर व आफताब अली पुत्र अकबर अली निवासी बैंक रोड अग्रवाल अस्पताल के सामने थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ने शिवा चौहान पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी 626 BG रेलवे कॉलोनी बिछिया थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से मारपीट व धक्का मुक्की किया, जिसके कारण छत से गिरने की वजह से शिवा चौहान की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में मृतक शिवा चौहान के भाई द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसको देखते हुए स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, कौवाबाग चौकी प्रभारी राम प्रवेश, हेड कांस्टेबल राजू उपाध्याय, कांस्टेबल अनिल सहनी शामिल रहे। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर सहित अन्य लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण अंकुर ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी। उन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। वह हर एक गरीब व्यक्ति के बारे में सोचते थे और उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। उनकी जयंती पर हम लोग उन्हें शत शत नमन करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभूषण एवं डॉक्टर रणधीर रंजन ने कहा, अधिकारी कल्याण संघ है, इसके मंडलीय अध्यक्ष रामचंद्र जी से अनुरोध करूंगा। तो बहुत ही उनका संगठन काम करता है। आपने कहा कि हमारे जो संगठन के नेतृत्व है अशोक कर लिखा, इस संगठन के अध्यक्ष थे। हम लोग इनकी बड़ी धूमधाम से विदाई करना चाहते थे, पिछले मीटिंग में तय हुआ था। बड़े भाई अमित कुमार जी, बड़े भाई श्रवण कुमार यादव जी, गोरखपुर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तो पूरे साल ही मनाई जाएगी और इसके सिलसिले की शुरुआत 16 अप्रैल से हुई थी। और बाबा साहब या किसी की भी जयंती जब हम मनाते हैं तो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि हम उनको याद करते हुए और उनके द्वारा किए गए कामों की प्रासंगिकता की अपने वर्तमान समय में तलाश करते हैं और देखते हैं कि हमको उन्हीं लोगों की ज़्यादातर जयंतियाँ मनाई जाती हैं जिनका कोई ना कोई ऐसा इतिहास में कंट्रीब्यूशन रहा है जो एक कालजयी कंट्रीब्यूशन है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो अभी भी बाबा साहब ने जो काम शुरू किया इस देश के वंचित तबकों, वंचित समूहों, कहने को तो वो दलित लोगों के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। पूरी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी आयरनी है कि एक आदमी जो सिर्फ SC ST के लिए नहीं बल्कि पूरे ही वंचित समाज के लिए हिंदुस्तान के इंक्लूडिंग महिलाओं के जिन्होंने लड़ा हो और जिन्होंने उनके अधिकारों के लिए लंबे समय और मजे की बात है कि हिंदुस्तान के सारे ही लोगों संविधान के माध्यम से जो बिना मांगे बिना लड़े जो अधिकार यहाँ मिल गए, यूरोप में हम लोग देखते हैं तो वो अधिकार तो बहुत लंबी लंबी लड़ाई के बाद मिले हैं, चाहे वो वयस्क मताधिकार का मामला हो, चाहे वो आपको लीव का मामला हो, छुट्टियों का मामला हो, अच्छे बेहतर काम के माहौल का मामला हो, ये सब हिंदुस्तान में अगर मिल गया तो वो हम संविधान से बिना मांगे बिना लड़े लोगों को मिल गया तो लोग उसका शायद महत्व नहीं समझते। और बाबा साहब के इस काम को कि जो उन्होंने शुरू किया था वो अभी भी बहुत
ज़रूरी काम है, तो उस काम को हम जब भी उनकी जयंती मनाते हैं तो एक तरह से जो लोग भी आते हैं वो एक तरह का कमिटमेंट प्रदर्शित करते हैं कि हम उस काम को भूले नहीं हैं, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी कमिटमेंट के तहत हम सब, मुझे लगता है कि यहाँ हैं कि हम उनके कामों को न सिर्फ याद कर रहे हैं बल्कि उस कामों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करने वाले लोगों में अपने को रखते हैं। डॉक्टर अलख निरंजन, भारतीय जीवन विज्ञान निगम, अनुसूचित जाति जनजात अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ गोरखपुर के तत्वाधान में आ रहे, दो मिनट रुक जाइए, के तत्वाधान में बाबा साहब की जयंती का समारोह आयोजित है और इस समारोह में हमारे विश्वविद्यालय के मुख्य अतिथि आए हुए हैं और इसमें बाबा साहब के विचारों पर, उनके कार्यों पर और समाज के प्रति उनके योगदान पर बातचीत हो रही है। सर क्या क्या जानकारी? इसमें जो बाबा साहब का योगदान है समाज के लिए, जैसे भारत के लोकतांत्रिकरण के लिए बाबा साहब का योगदान है, संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब का योगदान है, एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए समाज का योगदान है, इसी सब को हम याद किया जाएगा, बाबा साहब के प्रति एक श्रद्धांजलि दी जाएगी। शनिवार को बेतियाहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में मासिक बैठक की गई, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि मासिक बैठक में नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव तथा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को जिताने के लिए भारी संख्या में मतदान बनाने तथा जीत हासिल कराने की बैठक की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर मोहसिन खान, अखिलेश यादव, संजय पासवान, श्याम देव मिश्रा, राघवेंद्र तिवारी, अशोक यादव, मैना भाई सहित अन्य समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, संजय पहलवान जी भाई साहब वरिष्ठ नेता सभी सम्मानित हमारे नेता, हम सभी का मासिक बैठक में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन का किया है। चुनाव है नगर निगम का चुनाव है, हमारे विधानसभा में ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी का आइडिया चुनाव के संबंध में पार्टी नेता होगा पार्टी समाधान में। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मोहसिन साहब जैसे लोग 51 लोग मेरे पास हो जाए मैं प्रदेश में दोबारा। ये समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक है जो हर महीने होती है, महीने के पहले शनिवार को होती है, जो उस समय के तत्कालीन एजेंडे होते हैं उसमें शामिल किया जाता है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक है जिसमें नगर पंचायत, नगर निगम के चुनाव और जो प्रदेश के सहित गोरखपुर जनपद में भी, जबकि VIP जिला है ये, और गाँव में भीषण बिजली कटौती चल रही है इस गर्मी में, और गेहूँ क्रय केंद्रों पर जो गेहूँ नहीं खरीदा जा रहा है, आज की तारीख में किसान ये परेशान है कि एक तरफ मार्केट रेट पैरेलल में है तो ये साबित हो रहा है कि जो MSP किसानों को दिया जा रहा है वो कम है। तो इस सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज बैठक कर रही है और लाइन ऑर्डर की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, साथ साथ गोरखपुर जनपद में लगातार हत्याएँ हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएँ हो रही हैं, अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं बैठक कर रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने पूर्व खिलाड़ियों को माल्यार्पण कर एवं एकल पुष्प देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने बताया कि शनिवार को विश्व एथलेटिक्स डे है जिसको पूरे देश में मनाया जा रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है। इस दिन जो भी खिलाड़ी है वह प्रण लेता है कि हमें एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व खिलाड़ी डेक्थेलॉन के गोल्ड मेडलिस्ट रविंद्र सिंह एवं डॉक्टर राजवीर सिंह और क्षेत्र क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा,
मैं रविंदर सिंह डेकाथलान के इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट में रहा हूं, यहां रेलवे में सर्विस करता हूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज वर्ल्ड एथलेटिक दिवस के अवसर पर आज रीजनल स्टेडियम में कि एथलेटिक्स के उत्थान के लिए कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कि सभी खिलाड़ी एथलेट कोचेज आरएसओ साहब और जितने भी सम्मानित शहर के लोग थे आज एकत्रित होकर अपने एथलेटिक्स दिवस को याद किए और आने वाले समय में और भी ऊर्जावान होकर हम इस ज़िले को यूपी का देश का नाम रोशन करेंगे, इसी लक्ष्य के साथ आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो सम्मानित भी किया गया कुछ सभी सीनियर खिलाड़ियों को, अच्छे खिलाड़ी जो पुराने खिलाड़ी थे उनको सम्मानित किया गया, पुष्प और माला देकर हमारे रीजनल स्पोर्ट्स अफसर के तरफ से सभी लोगों को सम्मानित किया। हम लोग इस सम्मान से बहुत गौरवान्वित हुए हैं, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर राजवीर सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय। आज विश्व एथलेटिक दिवस है और इस अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री आले हैदर जी द्वारा एथलेटिक्स से इस शहर के जुड़े हुए सीनियर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और सभी जो यहां के ट्रेनीज हैं, खिलाड़ी हैं, उनके सामने सीनियर खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनसे उनके अनुभव को साझा किया गया। रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर आले हैदर। आज वर्ल्ड एथलेटिक डे है और इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो इंटरनेशनल फेडरेशन है एथलेटिक्स की, वो इसको सेलिब्रेट करते हैं और आज ये एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है, क्योंकि खिलाड़ियों का एक इस दिन एक ये होता है कि हम अपने एक प्रण लेते हैं कि अच्छा खिलाड़ी हमको बनना है, अपने इवेंट्स में परफॉर्म करना है और अच्छे परफॉर्म करके अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए हम इस बात का सोचते हैं, इरादा करते हैं। तो खिलाड़ी के लिए एक महत्वपूर्ण डे है, इस अवसर पर बहुत सारे आयोजन भी होते हैं और जगह जगह खिलाड़ियों का सम्मान भी किया जाता है जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्होंने। इसी अवसर पर आज हम जो गोरखपुर में यहाँ के जो नेशनल लेवल और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर विश्वविद्यालय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय स्तर पर जिन लोगों ने पदक विजेता रहे हैं और अपने ज़माने के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया था, तो इसी क्रम में ये सब लोग यहाँ, हमने इनका एक सम्मान छोटा सा सम्मान समारोह रखा था जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ आए और उन्होंने इसमें भाग लिया, उनको सम्मानित किया गया है और उनके एक्सपीरियंस जो हैं उन्होंने खिलाड़ियों से शेयर किए हैं ताकि वो जो पुराने खिलाड़ी के एक्सपीरियंस या अनुभव हैं उसके आधार पर वो अपने आप को तैयार करें और आने वाले समय में अच्छा खिलाड़ी बनके उनको पदक प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। रविवार को सुबह 6 बजे से जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा गोरक्ष पथ कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। विभिन्न स्कूल के छात्र व छात्राएं कार्यक्रम में लेंगी भाग। प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले छात्र व छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में बांसगांव तहसील में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए राजस्व पुलिस विभाग से संबंधित, सभी मामलों को एक हफ्ते के अंदर निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। जनपद में क्रय केंद्रों पर तेजी से हो रहा है गेहूं की खरीदारी। 48 घंटे में किसानों के उपज का हो रहा है भुगतान। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों में आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण सुनिश्चित कराने एवं अंत्योदय लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए उचित मूल्य विक्रेताओं का कार्यशाला का किया गया आयोजन। आयुष्मान योजना सहित पीएमवाड़ी की स्कीम की दी गई विस्तृत जानकारी।
नौकायन पर एडीजी जोन अखिल कुमार के नेतृत्व में नगर निगम एवं पुलिस ने चलाया संयुक्त सफाई अभियान। कहा, साफ सफाई के प्रति लोगों में जागरूकता का किया जा रहा है प्रयास। साप्ताहिक अभियान का हिस्सा बनने और पूरे गोरखपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा शहर बनाने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई व एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में तहसील दिवस का किया गया आयोजन। एसडीएम सदर ने कहा, तहसील दिवस में कुल आए 120 मामले, 15 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। दोस्तों ने नशे में की थी दोस्त की हत्या। गैर इरादतन हत्या करने वाले दोनों दोस्तों को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। भारतीय जीवन बीमा निगम अनुसूचित जाति एवं अधिकारी कल्याण संकेत के संयुक्त तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर दिया उनको श्रद्धांजलि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा, नगर पंचायत नगर निगम के चुनाव तथा गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने पर हुई चर्चा। और विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। पूर्व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एकल पुष्प देकर व माल्यार्पण कर किया गया सम्मानित। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।